हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अच्छा, अब मान लीजिए कि वी हैव ए कंडक्टर, ओके, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। दिस इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल। सोर्स ऑफ पोटेंशियल मतलब क्या है, बैटरी है और यहां पे एक की है, ठीक है, के इज द की। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, अब मतलब इस साइड हाई पोटेंशियल है और इस साइड एचपी हाई पोटेंशियल, इधर एलपी लो पोटेंशियल, ठीक है। या फिर हाई पोटेंशियल को हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लो पोटेंशियल को नेगेटिव साइन से, ठीक है। तो अगर इधर हाई पोटेंशियल है, इस साइड लो पोटेंशियल है, तो इसका मतलब क्या है कि देर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, सो वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रॉन्स दे ड्रिफ्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि उनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज वी डी, वी सबस्क्रिप्ट डी, ठीक है। हमको रिलेशन निकालना है करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के बीच में, ये रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ये मान लें कि यहां से यहां आने में टाइम टी लग रहा है, ठीक है, तो टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी डी उसका वेलोसिटी है, यहां से यहां आने में उसको टी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एल लेंथ को ट्रेवल करने में उसको टाइम लग रहा है एल इक्वल टू वी डी इंटू टी, अगर वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। दिस इज फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी वी डी है, तो वी डी इंटू टी, टी टाइम लग रहा है, तो ये एल लेंथ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग माने कि ये जो कंडक्टर है, फॉर दिस कंडक्टर एन स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी इक्वल टू this expression, number of electrons per unit volume into total volume, correct? अच्छा, total volume को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो ये volume का term है, this is length into area, but length can be replaced by VD into T, correct? तो इसका मतलब total number of free electrons को अगर मैं capital N से denote कर रहा हूँ, तो capital N क्या हो जाएगा, capital N हो जाएगा N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एल इंटू ए, एल हो गया वी डी इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अच्छा, अगर ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, टोटल चार्ज Q, it is equal to N into E, total charge is equal to N into E, ये relation हमारे पास कहां से आया, electrostatics से आया, कौन सा relation है, this is quantization of charge, है कि नहीं, charge equal to integral multiple of elementary electronic charge, this is quantization of charge, okay, so from this I can write, what will be the total charge, if this N is the number of free electrons, total charge of free electrons, Q, which is equal to,
दिस क्वांटिटी एन वी डी टी ए इंटू ई, ठीक है। अच्छा, अब करंट क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन करंट? करंट इज चार्ज डिवाइड बाय टाइम। स्टेडी करंट अगर मान रहे हैं हम लोग, अब क्यों मान रहे हैं स्टेडी करंट? क्योंकि ये जो सोर्स है बैटरी है, बैटरी एक स्टेडी सोर्स होता है, ठीक है। ये हम लोग पहले ही हम लोग डिफाइन कर चुके थे कि स्टेडी करंट कैसा होता है, स्टेडी करंट का सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो करंट है वो स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट के लिए कंडीशन क्या था? आई इक्वल टू क्यू बाई टी, दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेडी करंट, ठीक है। ये स्टेडी वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो क्यू तो ये क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो ये क्यू ये क्वांटिटी हो गया, तो आई इक्वल टू एन वी डी टी ए ई डिवाइड बाई टी, करेक्ट। तो ये टी और ये टी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो करंट का एक्सप्रेशन क्या है? आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मतलब तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? एज ए प्रोडक्ट ऑफ एन ए ई वी डी। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, सो नाउ वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर दिस रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। यहां पे जो ये वी डी है, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? वी डी इट इज इक्वल टू माइनस ई ई tau by m. So here Vd is in vector form. This electric field, it is a vector quantity. Now others are scalar quantities, relaxation time, mass, charge of electron. Okay. So what is the significance of this negative sign? This negative sign is between two vectors, drift velocity and electric field. Okay. So this negative sign shows that drift velocity of electrons is opposite to the direction of electric field, applied electric field. Acha. Now if I कंसिडर द मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है सर, ओनली मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो ये निगेटिव साइन गया, ये वेक्टर सिंबल भी गया, ठीक है। तो वी डी इक्वल टू ई ई टाउ बाय एम आ गया। तो ये जो वी डी है इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आई इक्वल टू क्या आएगा? आई इज इक्वल टू एन ए ई, और ये वी डी का टाउ हो गया ई ई टाउ बाय एम, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो गया? एन ई स्क्वेयर टाउ बाई एम, एन ई स्क्वेयर टाउ बाई एम ई इंटू ए, ओके। नाउ दिस इज करंट एंड दिस इज एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। सो करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज करंट डेंसिटी, ओके जे, एंड दिस करंट डेंसिटी हियर इट इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर tau by m into e, correct. So I can write e is equal to m by n e square tau into j, correct. Now Ohm's law in vector form, from Ohm's law in vector form, what do we have? E is equal to rho j. E is equal to rho j. Electric field is equal to resistivity into current density. So that means ये जो term है m by n e square tau, ये term क्या represent कर रहा है? ये resistivity represent कर रहा है. So rho equal to हो गया m by n e square tau. M by n e square tau. So this is the expression for resistivity. Resistivity. ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी? इट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा, ठीक है। तो जो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, तो सिग्मा इक्वल टू वन बाय रो, ठीक है। सो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम, ओके। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, and this is the expression for
कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को और एक तरीके से भी हम लोग दे सकते हैं। यहां पे हमारे पास आया करंट का एक्सप्रेशन I इक्वल टू दिस वन, ओके। सो नाउ दिस ई कैन बी रिप्लेस बाय V बाय रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल E इज इक्वल टू V बाय L। सो दैट रिप्लेसमेंट इज डन, ओके। सो आई कैन राइट दिस एज V इज इक्वल टू I L by A, okay, M by N E square tau, okay. Now, V, we know it is equal to, from Ohm's law, V is equal to I R. Now, this R can be replaced by L by A rho. So, if you compare these two expressions, again we have rho is equal to M by N E square tau. So, you can get this expression from for this resistivity from either of the two ways, okay. So next we will define a term called mobility, okay. Mobility denoted by the symbol mu, okay. Mu, which also represents refractive index, okay. So here it represents mobility. Now what is this mobility? It is defined as magnitude of drift velocity per unit electric field, okay. So it is mobility mu, it is equal to magnitude of drift velocity per unit electric field. So mu is equal to magnitude of drift velocity per unit electric field, okay. So see, we have already defined Vd is equal to minus Ee tau by M. Okay. Now, when we are talking about magnitude of drift velocity, that means we are talking about this term Vd. Correct? So, Vd by E, from this we have Vd by E, magnitude means this without a sign, just the magnitude. So, Vd by E becomes E tau by M. So, mu is equal to E tau by M, okay. So mu is equal to E tau by M. So this is the expression for mobility of charge carriers, okay. Now see, this is with lot of effort we got this expression, correct. But ye expression humko kya dikhata hai? Ye dikhata hai ki jo mu hai wo inversely proportional to mass hai. Mobility is inversely proportional to mass. But kya ye koi naya cheez hai? मास जितना कम होगा मोबिलिटी उतना ज्यादा होगा, कोई चार्ज जितना हल्का होगा उसका मोबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, है कि नहीं, उतना इजीली मूव कर सकता है। सो मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दैट इज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, ओके। एंड हाउ डू यू डिफाइन मोबिलिटी? इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलना है, हमको बोलना है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, मोबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में वो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अब ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो मतलब वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है, इधर का करंट है इधर वोल्टेज है, सो इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है विद जीरो इंटरसेप्ट, मतलब ये Y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर सी तो जीरो है, तो ये इस फॉर्म में है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का अगर IV ग्राफ देख रहे हैं, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, वो इट विल बी इक्वल टू वन बाय रेजिस्टेंस। अगर आप VI ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इफ यू आर ड्रॉइंग ए VI ग्राफ, एंड अगेन इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस केस में अगर स्लोप मेजर करते हैं, दैट स्लोप विल गिव यू रेजिस्टेंस, ओके। But now it is observed
कि फॉर वेरियस सिचुएशंस एंड फॉर वेरियस मटेरियल्स दिस ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ओके, दिस ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ. सो देन व्हाट कैन यू से अबाउट ओम्स लॉ? क्योंकि अगर ओम्स लॉ बोल रहा है कि दो ये जो वोल्टेज और करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो देन इफ द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन द ग्राफ बिटवीन देन देयर मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन अगर नहीं हो रहा है तो हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि जो ओम्स लॉ है, दिस ओम्स लॉ, ओके, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ. इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ. यूनिवर्सल लॉ ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है. ठीक है, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ. मतलब जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो इट इज ए यूनिवर्सल लॉ. इट इज एप्लीकेबल फॉर अर्थ, इट इज एप्लीकेबल फॉर अदर प्लैनेट्स ऑल्सो. बट ओम्स लॉ जो है इट इज वैलिड, वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर्स. ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है, एंड दैट टू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा. ठीक है, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ. ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ. इट इज वैलिड ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, अब ओम्स लॉ में डिविएशन कैसे कैसे हो सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब जैसे ऐसा हो सकता है कि आपने ग्राफ एक ड्रॉ किया बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ओके, सो जो एक्चुअल ग्राफ है इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, बट होता क्या है, जो प्रैक्टिकली व्हाट वी ऑब्जर्व, हमको कुछ ग्राफ इस तरह से मिलता है. ठीक है, मतलब इस पार्ट में जाके स्लोप थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे वी आई ग्राफ है तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस. तो जब वोल्टेज को हम ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में रेजिस्टेंस को ज्यादा ही इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग मोर. ठीक है, अच्छा, सो ये जो नॉन लीनियर पार्ट हो रहा है ये किसी भी हो रहा है, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज सी व्हेन यू इंक्रीज द वोल्टेज द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस. नाउ व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, दिस वी विल डिस्कस व्हाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, बट दैट इज द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, थ्योरेटिकली क्या होता है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, बट दिस इज द रीजन. मतलब इस पार्ट में ग्राफ नॉन लीनियर हो रहा है, तो ग्राफ नॉन लीनियर हो रहा है ऑब्वियसली इट इज नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस. ओके, दूसरा केस क्या है कि अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर डायोड. ठीक है, अब डायोड क्या है, बेसिकली इट इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस. सेमी कंडक्टर डिवाइस, ठीक है, हम लोग सेमी कंडक्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ओम्स लॉ का डिविएशन हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कैसे ओम्स लॉ का डिविएशन होता है. मतलब देखिए, ओम्स लॉ को क्या बोल रहा है कि मतलब जैसे वोल्टेज V इक्वल टू R है. ठीक है, तो अगर एक कंडक्टर है और यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, सपोज कर लीजिए वेरिएबल पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल को आप चेंज कर सकते हैं, जो बैटरी है 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे आप चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे आप एमीटर लगा हुआ है, आप कंडक्टर में एमीटर लगाया, आप करंट मेजर कर रहे हैं. ठीक है, तो इस साइड हाई पोटेंशियल है, इस साइड लो पोटेंशियल है, करंट इस तरफ फ्लो करेगा. ठीक है, सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट एंड यू विल गेट ए ग्राफ लाइक दिस सपोज. ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया, यहां पे पोलैरिटी चेंज कर दिया. आपने क्या किया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इधर उल्टा हो जाएगा. करंट, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ठीक है, नाउ द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. सो बट द सेम करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इसका मतलब क्या है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा. तो यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है, यहाँ पे वोल्टेज निगेटिव है, यहाँ पे करंट निगेटिव है. करेक्ट, सो बेसिकली हमको ग्राफ वही मिल रहा है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है और इधर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है. ठीक है, अब डायोड के केस में क्या होता है,
डायोड के केस में. व्हेन वोल्टेज इज पॉजिटिव इज द पॉजिटिव वेव, करंट पॉजिटिव इधर, वोल्टेज नेगेटिव करंट नेगेटिव. तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है हमको. पहले तो चीज है ग्राफ इज नॉन लीनियर, ठीक है, ग्राफ इज नॉन लीनियर. और ग्राफ का कुछ जो शेप है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये जो यहां पे जो आइडेंटिकल चीज हमको मिला था ना वो यहां पे नहीं मिलता है, पहली चीज, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है, ठीक है. दूसरा चीज है कि जो रिलेशन, इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन बिटवीन वोल्टेज और करंट है वो डिपेंड कर रहा है कि वोल्टेज का साइन क्या है, ठीक है. रिलेशन बिटवीन V and I depends on sine of V. V के sine के ऊपर depend कर रहा है, ठीक है. So this is again one deviation from Ohm's law. Now what is the third deviation? See, we have the relation V is equal to R I. We have the relation V is equal to RI. So that means if you apply a particular voltage, you will get a current. If you increase the voltage, you will get a different value of current. Okay. So that means for each value of voltage, you have a different value of current. But for one unique value of voltage, you have one unique value of current. But for gallium arsenide, now if you draw a graph between current and voltage. Okay, if you draw a graph between current and voltage, the graph is like this. So that means, see, if you see the graph like this, see, for two different voltages, in fact, three different voltages, you're getting same value of current. Now, Ohm's law, according to Ohm's law, this is not possible because, see, if you change the voltage, you get a different value of current. For a different value of voltage, you're getting a different value of current. It is highly improbable that for three different voltages you will get same value of current. So that means the value of current is not unique. For different values of voltage, the value of current, you're getting same value of current. So that means, see, here we are seeing that for V and I we have a unique relation. For this voltage, this current. For this voltage, this current. But here what we are getting? We're getting same value of current for different voltages. Okay. So again, this is not in accordance with Ohm's law. So these things cannot be explained in terms of Ohm's law. So these are the limitations of Ohm's law. Okay. So next we'll discuss variation of rho. Rho means resistivity. Okay, this is resistivity. So variation of resistivity with temperature. Okay. Now see, expression for resistivity rho, it is equal to M by N E square tau. Okay, this we have already derived. Rho equal to M by N E square tau, where M is the mass of electrons, N is the number of free electrons per unit volume, E is the charge of electron, and tau is the average relaxation time. Okay, now see, for conductors, this rho, it is inversely proportional to tau. Okay, now you may ask, why? See, first of all, see, mass of electrons, it is not going to change. So this, in this expression, M and E, these are constant. Okay, M and E, they are constant, they are not going to change. So only thing is N and tau. Now for conductors, I am saying that N is not going to change. Why? Because when we are talking about conductors, that means we are talking about metals. Now in metals, you have the strong bond, metallic bond are quite strong. Okay, so those bonds cannot be broken by normal thermal agitation. Okay, so that means, so if bonds are not broken, that means number of free electrons are, it is not going to change. Okay, so that means for conductors, N is also constant. So what is going to change is tau. Okay, how tau is going to change? See, in conductors, now if you increase the temperature is increased. Okay, now if temperature is increased, what will happen? If temperature is increased, this implies kinetic energy of free electrons, it is going to increase. It is also going to increase. If temperature is increased, kinetic energy of free electrons will increase.
Now, if kinetic energy of free electrons is increased, there will be more frequent collisions. Collisions unkale hoga, unkale unkale. Jaldi jaldi collisions hoga. So, jaldi jaldi collision hoga, to kya hoga? What is tau? Tau is the average relaxation time. What is relaxation time? It is the time interval between successive collision. So that means this tau is going to decrease. This tau is going to decrease. So that means if temperature is increased, tau decreases. If tau decreases, resistivity will increase. So this implies resistivity increases with increase in temperature. With temperature increase. Okay, for what? For conductors. So for conductors, if you increase the temperature, the average relaxation time decreases. And since average relaxation time decreases, the resistivity increases. Okay, now R, it is equal to rho L by A. R equal to rho L by A. So we can say, see, if rho increases, resistance will also increase. Correct? Resistance will also increase. So for conductors, on increasing the temperature, the resistivity and the resistance increases. Resistivity and the resistance increases for conductors on increasing the temperature. Okay. Now let's see what happens for semiconductors. Okay. Semiconductors, how increasing temperature affects the resistivity. Now semiconductors. See, semiconductors, basically silicon, germanium, okay. So these are group 14 elements. Now group 14 elements means they are forming covalent bonds, okay. Now covalent bonds are not as strong as metallic bonds, they are weak bond. So when temperature is increased, there is a high probability that there is a breakage of bonds. Now if bonds are broken, what happens? If one bond is broken, two free electrons are released. So that means due to breakage of these covalent bonds, number of free electrons will increase. So in this expression, this rho, it is governed by N. In case of semiconductors, resistivity is governed by N, number of free electrons per unit volume. So if you increase the temperature, if temperature is increased, this implies number of free electrons per unit volume will increase, because if temperature is increased, more bonds are broken. If bonds are broken, free electrons are increasing. Free electrons are increasing, that means number of free electrons per unit volume will increase. So if N increases, what happens? If N increases, rho decreases. Okay, so that means resistivity decreases with temperature increase. With temperature increase, okay. So this is in case of semiconductors. So for semiconductors, if you increase the temperature, resistivity decreases. For conductors, if you increase the temperature, resistivity increases. Okay, so this is the reason for variation of resistivity of semiconductors and conductors with respect to temperature. Okay, now let us analyze these things in a graph. Okay, these graphs are very important. So if you draw the graph between resistivity and temperature, okay, for conductors, say copper. So the graph is like this. Okay, this is the graph. And if you draw the graph between resistivity and temperature for semiconductor. Now semiconductor, this resistivity decreases. So the graph is like this. Okay. For alloy, for nichrome. Now this is the alloy of nickel and chromium. Okay. Resistivity versus temperature. So it is a straight line graph. Okay. For semiconductor, on increasing the temperature, the resistivity decreases. For conductors like copper, if you increase the temperature, the resistivity increases. Okay. Now, this is what is given in your NCRT, but one additional graph for superconductors. Okay. This is not given in the NCRT, but just an additional piece of information. For superconductors, if you draw the graph between resistivity and temperature, as we know, superconductor is like they lose the
resistivity at a particular temperature. That temperature is called critical temperature. So that means if you decrease the temperature, the resistivity decreases. At a particular temperature, the resistivity becomes zero. So the graph is like this. Here it becomes zero. So this is TC. So this is the critical temperature. Critical temperature. So at this temperature, resistivity becomes zero. So this is for superconductors. Okay, this is for superconductors. This is for semiconductor, this is for conductor, and this is for alloy. Okay, so this is how resistivity varies with temperature for these four cases. Okay, and we have analyzed the reason why it happens for copper, why it increases, and for semiconductors, why it decreases. So now we have seen how this resistivity varies with temperature. In case of conductors, how resistivity is affected by average reaction time. For semiconductors, how it is related to the number of free electrons per unit volume, and how the number of free electrons per unit volume changes with temperature. Okay, so we have analyzed that reason from physics point of view, and we have analyzed that variation with the graphs. Okay, for conductors, resistivity increases with temperature. For semiconductors, resistivity decreases with temperature. Okay, so the next important thing is mathematical equation, formulation of theory and graphical knowledge in mathematical equation. Now, the variation of resistivity with temperature, it is given by this relation rho T is equal to rho naught 1 plus alpha delta T. Okay, now what is this? See, this delta T, it is a rise in temperature. So that is final temperature minus initial temperature. Okay. Rho naught, this is the initial resistivity. Rho T is the final resistivity, means when the temperature is changed. Initial resistivity means this resistivity at temperature Ti, this final resistivity at temperature Tf. Okay. Now this relation is similar to what we have got in linear expansion in solids. Okay, and then expansion in liquids, those expansion equation. This looks like that. So this is the variation of resistivity with temperature. This term alpha here, this is called temperature coefficient of resistivity. And it can also be called as temperature coefficient of resistance. Okay, now from this I can write alpha as rho T minus rho naught divided by rho naught delta T. Okay, so as you can see for conductors, now delta T is suppose positive, that means you are increasing the temperature, because delta T represents final temperature minus initial temperature. So delta T positive means you are increasing the temperature. Now on increasing the temperature, this resistivity increases, so rho T will be greater than rho naught. Okay, since rho T is greater than rho naught, so that implies alpha is positive. Whereas, if you see for semiconductors, now for semiconductors, if you increase the temperature, if the temperature is increased, okay, resistivity decreases. So this quantity will be less than this, rho T will be less than rho naught, because resistivity decreases with increase in temperature in case of semiconductors. So if this quantity is less than this, that implies alpha will be negative. So here alpha will be negative, alpha is negative. Okay, so for semiconductors, temperature coefficient of resistivity or temperature coefficient of resistance, it is a negative quantity. For conductors, it is a positive quantity. Okay, so this is the mathematical equation. This is how you can evaluate the variation of resistivity with temperature. Okay, now since for resistance we write R equal to rho L by A. Okay, so this equation, this is a variation of resistivity with temperature.
Now, variation of resistance with temperature can also be written similarly like this. RT is equal to R naught 1 plus alpha delta T. Okay. So, again, symbols have the same meaning. This R naught is the initial resistance, RT is the final resistance, delta T is the change in temperature, initial final temperature minus initial temperature. Alpha, see this alpha value and this alpha value, it will be same. Okay. That is why I was saying that this is temperature coefficient of resistivity or temperature coefficient of resistance. Okay. Now this value of alpha, this alpha depends on, it does not depend on all these factors. It depends on nature of material. Nature of material. Okay. Linear expansion, we have seen that coefficient of linear expansion depends on nature of materials. For aluminium, alpha is different. For copper, alpha is different. Similarly, here also, temperature coefficient of resistivity or temperature coefficient of resistance, it depends on nature of material. Okay. And we have seen that for conductors, it is positive. For semiconductors, it is negative. Okay. So, this is how resistivity or resistance varies with temperature. Okay. So, I hope these concepts are clear to you. In case of any doubts, you please do comment and I will surely reply. I will help you. Okay. So, my best wishes. Good luck.